हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है लेक्चर के लिए, इट विल बी ऑन सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्विस मॉडल्स क्लाउड के क्या हैं? आई होप आपको क्लाउड का पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका है। आई होप दैट कल का लेक्चर आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, बिकॉज आज का लेक्चर आपको तभी समझ आ सकता है अगर आपने कल के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। सो मेक श्योर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके पास प्रीवियस सारी रिवीजन पूरी हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्विसेज ऑफ क्लाउड। नाउ इफ यू रिमेंबर क्लाउड का कंसेप्ट, जब मैं क्लाउड का कंसेप्ट आपको समझा रहा था तो मैंने एक चीज बड़ी अच्छे से बताई थी कि क्लाउड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और नंबर तीसरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर दैट, मैंने तीन चीजें बताई थी आपको। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, डेवलपमेंट अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल नए तरीके से, और मैनेजमेंट जब हम डेटा को सेव कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमारी किसी भी क्लाउड के थ्रू पॉसिबल है, और ये तीनों चीजें अगर हम क्लाउड की एज अ सर्विस ले सकते हैं तो दिस इज प्रोबेबली द कॉल्ड टू बी द क्लाउड सर्विसेज। ये सारी की सारी चीजें हमें एज अ यूजर क्लाउड के थ्रू मिल सकती हैं। एक ऐसी स्पेस जहां मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूं, एक ऐसी स्पेस जहां मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता हूं, एक ऐसी स्पेस जहां मैं डेटा को रख सकता हूं, और यही सारी चीजें आपकी सर्विस में कन्वर्ट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्विसेज। हमारी जो पहली सर्विस है, आई कॉल दैट सर्विस एज IaaS, विच इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ दिस काइंड ऑफ सर्विस इज बेसिकली ए फाउंडेशन सर्विस ऑफ क्लाउड। यू कैन से दैट दिस इज बाय डिफॉल्ट द बेसिक सर्विस विच अ क्लाउड प्रोवाइड्स यू। अब इस बेसिक सर्विस में होता क्या है? इस बेसिक सर्विस में आपकी जो क्लाउड वेंडर है, द क्लाउड वेंडर आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। उस स्पेस के अंदर आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको वो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, आपको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको स्पीड प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोसेसिंग बैंडविड्थ जिसे बोलते हैं बैंडविड्थ। और इस ओपन स्पेस में यू कैन यूटिलाइज इट फॉर एनी सर्विस। इट इज बेसिकली एन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस का मतलब होता है यू कैन इधर कीप डेटा, यू कैन गिव दिस स्पेस ऑन लीज टू समबडी। दिस इज जस्ट ए पब्लिक एनवायरमेंट। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्लाउड की वो सर्विस है जहां आपको ओपन स्पेस दे दी गई है। आपको बेसिक हार्डवेयर सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको बेसिक सॉफ्टवेयर सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको वहां स्पीड दी गई है जिसके हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। दे हैव गिवन यू द बाय डिफॉल्ट सर्विस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सर्विस ऑफ योर क्लाउड।
इसमें आपको खाली ग्राउंड दे दी गया, जस्ट लाइक दैट कि मेरे को किसी ने खाली ग्राउंड दे दिया है, चाहे मैं उस पर टेंट लगाऊं, चाहे मैं उस ग्राउंड को किसी को लीज पे दूं, चाहे मैं अकेला ही ढोल बजा के नाचना शुरू करूं, मैं उस ग्राउंड के साथ क्या करना चाहता हूं वो मेरी चॉइस है। बट मैं उस ग्राउंड उस स्पेस की पैसे दे रहा हूं एज पर यूसेज के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से मैं उसकी पेमेंट भी दे रहा हूं। ये वो स्पेस है हमारी, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि क्लाउड सर्विस के थ्रू मुझे एक ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और मैं इस ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कुछ भी कर सकता हूं एज माई यूसेज, एंड आई विल ऑल्सो पे पर माई यूसेज। सो लेट्स सी वॉट इज IaaS। दिस IaaS इज द फाउंडेशन ऑफ क्लाउड सर्विस। इट प्रोवाइड क्लाइंट विद द एक्सेस टू द हार्डवेयर, स्टोरेज, bandwidth. What is bandwidth? As I told you, it is speed and fundamental computing resources like all processing. The service is typically paid for the usage, as I told you, pay per use. The service may also include dynamic scaling. Now, what is dynamic scaling? डायनेमिक स्केलिंग का मतलब क्या होता है समझिए, इज अ वर्ड कॉल्ड डायनेमिक स्केलिंग। डायनेमिक स्केलिंग का मतलब होता है यू कैन इंक्रीज द स्कोप ऑफ क्लाउड। हाउ कैन यू इंक्रीज द स्कोप ऑफ क्लाउड? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 1 GB स्पेस, you can convert this 1 GB space into 2 GB. When you increase the space from 1 GB to 2 GB, that means adding the scope. अब cloud का जो इस्तेमाल है वो और अच्छे ढंग से हो सकता है, क्योंकि आप अपने अपनी requirements को increase कर सकते हो. So dynamic scaling का मतलब है changing the needs and requirement anytime by user. वो अपनी needs and requirement के हिसाब से अपनी चीजों को बदल सकता है कभी भी, और जो आपका vendor है, vendor will provide you this changed service anytime as quick as possible. आप अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट को कभी भी बदल सकते हो, और जैसे ही आप अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को बदलोगे, आपका वेंडर आपको इन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को बदलाकर आपके क्लाउड में वो सर्विस देगा एज क्विक एज पॉसिबल। सो वॉट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्लाइंट को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्लाउड में कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ही नीड टू पे, उसे पैसा देना पड़ेगा जिस हिसाब से वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात यहां पर यह है कि इसमें डायनेमिक स्केलिंग करके चीज है हमारे पास, जिसके अंदर यूजर इस क्लाउड की सर्विस को कभी भी बदलाव कर सकता है, अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, और जैसे वो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को चेंज करेगा उसके हिसाब से वेंडर एज क्विक एज पॉसिबल उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो चेंज सर्विस प्रोवाइड करेगा। चेक इट आउट, व्हाट इज डायनेमिक स्केलिंग? सो दैट इफ कस्टमर नीड्स मोर रिसोर्सेज देन एक्सपेक्टेड, ही और शी कैन गेट देम ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का मतलब है एज क्विक एज possible. It provides access to the shared resources on need basis without revealing the detail of the location, the hardware. इसे छुपाया जाता है, हम सर्वर की लोकेशन को कभी नहीं दिखाते, हम सर्वर की लोकेशन को कभी नहीं दिखाते हैं। We always mask the location of the server from the client because of the security purpose. Now let's move on the next service,
The next service is called as SaaS. It is called as Software as a Service. Usually हम इसको SaaS भी बोलते हैं, SaaS. It is called Software as a Service. It's a very very simple and a very very common service which is used by user. Software and Service में होता क्या है? आपके पास क्लाउड है, आपने मेरे साथ पहले पढ़ा हुआ है. इस क्लाउड के अंदर हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और फिर इस इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को अलग अलग क्लाइंट्स इसे एक्सेस कर सकते हैं कभी भी. सो दैट मींस यू आर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर और द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड बाय वेंडर एंड मल्टीपल यूजर्स are using it. Multiple users are using it. The good point is that users don't need to run and install it. So users do not need to run or install these software. Users ko apne computer mein ना सॉफ्टवेयर को रन करने की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत है. ये सारी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? वेंडर. वेंडर ये सारी जिम्मेदारी उठा रहा है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को रन भी किया जा रहा है क्लाउड में और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी किया जा रहा है क्लाउड में. तो बेसिकली द टेक्निकल वर्ड वी हैव हियर इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज हैपनिंग इन SaaS. Software as a service. So let's go through. Now in software as a service, it includes complete software offering on the cloud. Pura ka pura software aapka cloud mein hai. User can access the software application. User software application ko access kar sakte hain. Hosted by the cloud vendor on pay per use basis. इफ यू रिमेंबर मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था टेली वाला. उस टेली वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी. अगर सपोज आपको टेली चाहिए 6 महीने के लिए और मैं टेली का एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्लाउड में डाल देता हूँ तो यू डोंट नीड टू पे, यू डोंट नीड टू बाय एक्चुअली टेली सॉफ्टवेयर. यू विल गेट द टेली सॉफ्टवेयर एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाउड. यू जस्ट नीड टू पे मी एंड द अमाउंट मे बी वेरी नॉमिनल. सो इस तरह की सर्विस एक क्लाइंट का हमेशा पैसा बचाती है. इस तरह की सर्विस हमेशा क्लाइंट को एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड सेक्टर. SaaS इज अ मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट. अंडरलाइन द वर्ड डिप्लॉयमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर एप्लीकेशन इज होस्टेड एज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर अक्रॉस द इंटरनेट बाय रिमूविंग द नीड टू इंस्टॉल एंड रन द एप्लीकेशन. सो कस्टमर डू नॉट नीड टू इंस्टॉल, नॉट इवन need to run this software on his own computer. इससे क्या benefit मिलेगा? सबसे बड़ा benefit यह है cost. Cost optimization हो सकती है. SaaS can elevate. Elevate मतलब eliminate. Eliminate the burden of the software maintenance and support. So user को अपने उस software को ना ही उस software को मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही सॉफ्टवेयर की कोई सपोर्ट लेने की जरूरत है, कोई पैसा खर्चने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? आपका वेंडर. ऑल दीज थिंग्स आर डन थ्रू द वेंडर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज PaaS, विच मींस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. Now, platform as a service में क्या होता है? यहां पर development होती है. So basically, cloud आपको एक ऐसा platform provide करता है जिस platform के through you can develop
any software. But you can only develop these software which is through cloud. Or is cloud mein there are some limited software which is given by cloud vendor. So isme hota kya hai, you develop cloud, you basically use cloud for development of software. Iske andar jo cloud ka vendor hai wo aapko kuch tools dega सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट बनाना चाहते हो. वेबसाइट बनाना आज के टाइम में बहुत एक्सपेंसिव है. व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव टू मेक अ वेबसाइट? द रीजन इज दैट कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत है. वेबसाइट बनाने के लिए मुझे हो सकता है पूरी लैब सेटअप करनी पड़े, हो सकता है कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़े, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इन द क्लाउड. I will use a service called PaaS, platform as a service. वहां मुझे 4-5 tools दिए जाएंगे website बनाने के लिए और मैं उन tools का इस्तेमाल करने के लिए पैसा दूंगा. जब तक मेरा software बन रहा है तब तक मैं वो मुझे charge करेंगे. तो एक बार मेरा software बन गया फिर मुझे charges देने की जरूरत ही नहीं है. So it is so simple. So it is acting as a platform so that you can develop a software. But the only disadvantage is that there is a disadvantage. The only disadvantage is that you have to use only those softwares which are given by vendor. You cannot add or you cannot remove any software jiski wajah se you have a very very limited scope of development. Limited scope of development. जो यूजर है वो फंस जाएगा उन्हीं टूल्स के बीच में जो टूल्स उसे वेंडर की तरफ से दिए गए हैं. वो सिर्फ उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है और कोई नए टूल्स यूज नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वेंडर जो टूल देगा आपको तो वही यूज करने पड़ेगा. जो सा वो वर्जन देगा आपको वही यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज योर PaaS. सो व्हाट इज PaaS? PaaS प्रोवाइड क्लाइंट विद एक्सेस टू द बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? फॉर डेवलपमेंट, टू डेवलप एंड यूज द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन without need to buy and manage the computing infrastructure. ये computing infrastructure कौन सी? ये वो tools हैं जिनके through development possible होती है. आपको इन tools को you don't need to buy these tools. It is a proven model for running application without hassle of maintaining the hardware and the software. So, इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको खरीदने की जरूरत नहीं है. द ओनली ड्रॉबैक, द ओनली लिमिटेशन वी हैव हियर इज दैट इट मे लॉक अस. लॉक अस का मतलब है इट लिमिट अस टू यूज द पर्टिकुलर डेवलपमेंट एनवायरमेंट. जो एनवायरमेंट वेंडर की तरफ से दिया जाएगा मैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर सकता हूं. मैं और कोई नया नया सॉफ्टवेयर डाल सकता हूं, ना सॉफ्टवेयर डिलीट कर सकता हूं. एंड द स्टैक ऑफ द सॉफ्टवेयर, स्टैक होता है द लिस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो दी गई है मुझे, मैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर सकता हूं. जैसे दैट इज द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई विल टेल यू. यू नो दैट यू कैन कन्वर्ट PaaS into SaaS. आप PaaS को SaaS में कन्वर्ट कर सकते हो. You know how? You develop software. Once your software is ready, then you can install the software and give to clients. So when you develop the software, it is acting as a PaaS. And when the software is ready, then you install the software, it is acting as a SaaS. So PaaS can become SaaS.
पास सास बन सकता है कभी भी. ओके सो रिमेंबर दिस कि पास कैन ऑल्सो बिकम सास. हाउ? यू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन द क्लाउड एंड देन इंस्टॉल एंड रन द सॉफ्टवेयर एंड गिव एक्सेस टू द क्लाइंट. सो पास के थ्रू डेवलप किया और सास के थ्रू डिप्लॉय किया. ओके रिमेंबर दिस लाइन द पास कैन बिकम सास. ओके लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड नेटवर्क एज अ सर्विस. Now, what is NAS? What is NAS? NAAS. Network as a service. Now, what happened in NAS? We have a cloud. Now, in this cloud, we don't keep data. हम इस cloud में data नहीं रखते. ना कोई सॉफ्टवेयर रखते हैं. हम इस क्लाउड का इस्तेमाल सिर्फ नेटवर्किंग के लिए करते हैं. नेटवर्किंग का मतलब है कनेक्टिविटी. सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. कैसे? लगे बेट यहां मेरे पास पड़ा है सर्वर. सर्वर को मैं कनेक्ट करता हूं क्लाउड के साथ और यहां पे मेरे हैं क्लाइंट्स. So that means this cloud is helping and acting as a middleware. वो middleware की तरह act कर रहा है ताकि server और clients आपस में interact कर सके. So the cloud is acting as an interface. क्यों? ताकि server, which is called your database, and client, which is called front end, can be connected. So dobara dekhiye, what is happening in NAS? In NAS is acting as a network as a service. Hum iske andar cloud ke andar koi data save nahi kar rahe. We are not saving any data. I am not saving any data in cloud. But the cloud is helping as a connectivity. मेरा एक सर्वर है चंडीगढ़ में पड़ा हुआ है और उस सर्वर को मैंने क्लाउड से कनेक्ट कर दिया और क्लाउड से मैं अपने सर्वर की सर्विस को अलग अलग क्लाइंट्स के पास दे रहा हूं. मुझे कोई फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है. और इस तरह की सर्विस को आप VPN विच इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कह सकते हैं. आप इस तरह की सर्विस को VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कह सकते हैं. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसलिए क्योंकि क्लाइंट्स हमारे नेटवर्क में नहीं है. क्लाइंट नेटवर्क के बाहर से हमारे सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं इसलिए हम VPN भी कह सकते हैं. सो दिस NAS सर्विस इज ओनली प्रोवाइडिंग द कनेक्टिविटी ताकि सर्वर और क्लाइंट आपस में जुड़ सके. सो लेट्स रीड दिस. This category of cloud service where the capability of providing cloud service is the देखिए use network or transport connecting services. So connecting service है ये. NAS involves optimization of resources by considering network and computing resources as a whole. मतलब आपका network और जो आपकी क्लाउड है दे आर वन. एग्जाम्पल है इसका VPN. VPN इज एन एग्जाम्पल. लास्ट वन सर्विस वी हैव इज कॉल्ड
CAAS. CAAS is called to be communication as a service. So what is this communication as a service all about? Try to understand. We have a software which is installed in the cloud. When a software is installed in the cloud, that is called SaaS, SaaS. But if this software is used only for communication, if a software which is installed in the cloud is used for the communication, then that SaaS will become CAAS. दोबारा सुनिए, मेरे क्लाउड में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है. अगर मेरे क्लाउड में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो SaaS बन गया, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. बट अगर वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन के लिए है तो मेरा SaaS बन गया CaaS. तो CaaS क्या हुआ, CAAS क्या हुआ? CAAS इज इंस्टॉलिंग या डिप्लॉइंग कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इन क्लाउड. क्लाउड में कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, रन करो, उसे CaaS बोलते हैं. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सपोज एक वेंडर है हमारे पास, उसने स्काइप इंस्टॉल किया हुआ है क्लाउड में और बहुत सारे क्लाइंट्स इसको एक्सेस कर रहे हैं, दिस बिकम CaaS. Which can also be SaaS because you are installing the software. So let's read this. SaaS is involved in the same line as SaaS. Your CaaS is just like SaaS. CaaS is an outsourced enterprise communication solution. It is a communication solution that can be leased from a single vendor. तो एक ऐसा वेंडर जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है जो क्लाउड में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है. The vendor, this vendor is responsible for guaranteed in quality of service. Quality of service में इसकी गारंटी है. अगर quality of service खराब होती है then he is the one who is responsible for it. तो इसलिए वो हमेशा पूरी कोशिश करेगा कि हमेशा क्वालिटी हाई ग्रेड रहे. It allows your business deploy communication devices and more as pay as you go. So, jitna aap is software ka istemal karoge, aapko utni hi payment deni hai iske andar. You don't have to pay more. This approach eliminates large capital investments. Kiske andar? In communication softwares. Communication karne ke softwares mein aapko large capital invest karne ki zarurat nahi hai. Example, voice over IP. This is called video conferencing software. Cloud ke through video conferencing softwares ka istemal ho sakta hai. And these are called to be your CaaS services. So I hope I will just go through. Humne kya kya kiya aaj? Humne services kiye hain. First service called IaaS. It is called infrastructure as a service. It's a very very basic service, foundation service है हमारी, जो by default हमेशा होती है और इसके अंदर dynamic scaling हो सकती है. Customer अपने needs और requirement के हिसाब से चीजों को बदल सकता है और जो भी वो requirement बदलेगा उसके पास on the go, on the fly ये सारी services आ जाएंगी. Then software as a service. इसमें cloud के अंदर software को install करना पड़ता है. जब आप cloud को के अंदर software को install करते हो, एज ए यूजर आपको सॉफ्टवेयर को रन करने की जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो सारा वेंडर आपको प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का सबसे बड़ा फंडा ये है
कि आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। ये पैस सैस में कन्वर्ट हो सकता है, पहले आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करो और उसके बाद सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दो, फिर यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर दो, जिसकी वजह से आपका पैस सैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है पैस की कि आपको जो सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे आपको उसके साथ गुजारा करना है, आप ना कोई नया सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। NAS में क्लाउड का इस्तेमाल नेटवर्क के लिए होता है, कनेक्शन बनाने के लिए होता है, यहां पर हम कोई भी डेटा सेव नहीं करते हैं। सर्वर और क्लाइंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए हम NAS का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास VPN है। लास्ट में CAS है। CAS एक हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाउड में इंस्टॉल्ड है जिसका इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है, ओनली फॉर द कम्युनिकेशन पैटर्न, कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है। दैट इज व्हाई द CAS, योर CAS इज ए पार्ट ऑफ SAS, आपका CAS SAS का पार्ट है। सो ये थी हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये थी हमारी सर्विसेज क्लाउड की। आई होप आपको ये सारी सर्विसेज समझ आई हैं। मेक श्योर कि आप इन सर्विसेज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ने के बाद इसको दोबारा से स्टडी करिए। अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है आपको, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैं आपके डाउट्स को लेने के लिए तैयार हूं, मैं इस डाउट्स को लेकर आपको अच्छे से दोबारा से समझाऊंगा, बट आपको सिर्फ एक कष्ट करना है, अपने डाउट्स को मेरे तक पहुंचाना है। सो गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कम टू मी, डू स्टडी, prepare well, have a very very productive time guys. That's all for today for this lecture. Have a nice time. Bye bye.